Namaskar. A very happy Diwali to all of you. To celebrate this joyous festival of lights, Nadru brings to you an enriching dialogue on dance. An interaction that happened when two great minds, Vidushi Manjari Sinha and Guru Shama Bhate, came together in Vadodara this year. Here in Vadodara, every year, under the able guidance and leadership of Dr Parul Shah, the Anjali Memorial Committee organizes a national international dance festival. Nadru was invited to participate in Nritya Parva 2023, which was indeed a great success. Over the course of 3 days, Manjari Sinha ji interviewed Guru Shama Bhate in the beautiful abode of Dr. Parul Shah. What ensued was a most enlightening discussion on Kathak, especially the music aspect of it. Dr. Manjari Sinha, as you all know, is one of India's finest critics for music and dance. Recognized not just for a depth and understanding of the classical arts, but also for an admirable command of a language. Guru Shama Bhate, founder director of Nadru, is a notable Kathak exponent, a sought after guru, a scholar, a trendsetter, and one of India's leading choreographers with a plethora of work to her credit. She always stresses the importance of engaging the intellect along with performance and riyas. In keeping with this vision, Nadru regularly organizes seminars, conferences, lecture demonstrations, workshops, etc. Of course, along with performance and training. We thus thought of sharing this interview with you now, because what better way to celebrate Diwali than to illuminate our minds. मित्रों, जब हम नृत्य में संगीत की बात करते हैं तो मुझे याद आते हैं शारंग देव के संगीत रत्नाकर, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। संगीत की परिभाषा में ही उन्होंने गायन, वादन और नृत्य को समाहित किया है, अर्थात नृत्य अपने आप में संगीत की परिभाषा का अविभाज्य अंग है। आज भारतीय नृत्य की जितनी भी हम शास्त्रीय शैलियां देख रहे हैं उनमें अपना आंचलिक संगीत की सुवास है। भरतनाट्यम का नाम लेते ही अगर हमें वर्णम और पदम याद आते हैं तो ओडिसी के साथ पल्लवी है, गीत गोविंद की अष्टपदियां हैं, या कथकली है, मोहिनीअट्टम है, इनके साथ सोपान संगीत याद आता है। तो मणिपुर चले जाइए तो वहाँ पर मणिपुरी रास है, पुंग है। तो इस तरह से अलग अलग शैलियों के जहाँ आप संकल्पना करते हैं वो अपने संगीत के साथ ही हमारे सामने उजागर होती हैं। जहाँ तक कथक की बात है, मुझे लगता है कि गुरु रोहिणी भाटे ने शायद पहली बार कथक की बिरादरी का इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि कथक में अच्छे साहित्य और अच्छे संगीत का कितना महत्व, कितनी महिमा और कितनी उपादेयता है। हम खुशकिस्मत हैं कि आज हमारे साथ उस परंपरा की यशस्वी गुरु, गुरु शमा भाटे जी हमारे साथ हैं। शमा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते अंजलि जी। सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपके नृत्य की जो संगीत महत्ता है वो हम सबका ध्यान खींच लेती है, तो कथक में जब हम संगीत की बात करते हैं तो मेरे जहन में सबसे पहले घुंघरू आता है, बढ़ंत आती है जी। तो आप कथक के संगीत पक्ष को लेकर के
इन जनरल सामान्य रूप से क्या सोचती हैं? मैं आपके संरचनाओं पर बाद में आऊंगी, लेकिन कथक के साथ संगीत की क्या उपादेयता है, क्या महिमा है, और रोहिणी जी की परंपरा में इसको किस तरह से सहेजा गया है? आप उसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं, प्लीज़। नमस्ते मंजरी जी, मुझे नृत्य के साथ साथ संगीत पे बात करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नृत्य और संगीत एक साथ जुड़ा हुआ है। जब भी हम किसी का नृत्य देखते हैं तो हम कहते हैं बड़ा म्यूजिकल था, बड़ा सुरीला था, घुंघरू से बात बनती है, और घुंघरू की एक अपनी एक्सप्रेशन है और पैर की अपनी एक्सप्रेशन है, वो दोनों मिलके हस्तकंग, वो अगर हम उसको ऑडियो मान लेंगे तो उसी का नृत्य रूप बनता है हस्तकों और अंगों के साथ। तो वो एक पूरी पूरा तभी बनता है जब वो घुंघरुओं की बातें और पैर की चपत या अड़ा पैर की जो बेस आवाज़, उसको मिलके उसका एक नृत्य रूप बनता है। तो दोनों मिलके ही पूरा कथक होता है। तो हम लोग हमेशा सुनते हैं कि उनका नृत्य बड़ा लिरिकल था, बड़ा म्यूजिकल था, क्या सुरीले पैर। तो ये चीज़ें नृत्य के साथ एकदम जड़ से जुड़ी हुई है। तो नेचुरली हमें लगता है कि संगीत था इतना अहम पक्ष है और एकदम पक्का जुड़ा हुआ, जैसे चोली दामन का साथ कहते हैं। तो इस वजह से रोहिणी जी की जब तालीम थी तो आपने तो देखा है उनका खुद का पैर बहुत सुरीला था और उनकी समझ म्यूजिक की, सुर की, राग की और म्यूजिक की, कॉम्पोजिशंस की तालीम भी ली थी, सुना भी बहुत था और सोच भी थी। सब मिलके कई कॉम्पोजिशंस उन्होंने अपने नृत्य के कॉम्पोजिशंस की, संगीत रचना खुद की। तो वो उनके अंदर से जब बात निकलती थी तो म्यूजिक के साथ निकलती थी। क्या बात है। तो पहली बात तो आपने बताई घुंघरू के साथ, कथक के साथ घुंघरू का जुड़ाव, और हम देखते हैं कि अन्य नृत्य शैलियों की अपेक्षा इसमें घुंघरू की संख्या भी ज्यादा होती है, 150-200। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे आपको मालूम है कि घुंघरू कैसे हो, इस पे भी अभिनय दर्पण में बड़ा चर्चा रही कि कैसे, किस मेटल के हो, के क्या साइज हो, कैसे बांधे हुए हो। वो बोलते हैं सुस्वर हो, सुरूप हो, मतलब वो पैर अच्छा दिखना चाहिए। और ये घुंघरू की जो गूंज है उससे तो बात बनती है। तो कभी आप वो जो गौएं पहनती है वो घुंघरू नहीं कलाकार पहनेगा, वो क्योंकि वो घुंघरू, तो घुंघरू को मैं समझती हूँ कि ये कथक डांसर का इंस्ट्रूमेंट है। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो एक्सटेंशन है, अपने एक्सप्रेशन का एक्सटेंशन है घुंघरू। तो घुंघरू की वजह से वो जो एक माहौल बनता है वो नृत्य में भी है और मंजरी जी नृत्य में भी है, मतलब भाव पक्ष में भी, नृत्य में भी, भाव पक्ष में भी घुंघरू के एक्सप्रेशन का बड़ा हिस्सा मैं और अहमियत समझती हूँ। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ तो गिरिधर के गत तो एकदम पारंपरिक है। देखिए उसमें बादल के लिए घुंघरू अलग चलेंगे, बिजली के लिए अलग चलेंगे और वर्षा शुरू हो जाएगी तो अलग चलेंगे, तो धीरे धीरे, और वहाँ नदी देना आधे देना शुरू हो जाएगा, तो वो कंटिन्यूटी बनती है। तो ये जो बातें बुजुर्गों ने सोची, या आपने द्रौपदी चीरहरण का देखा होगा कि निरंतरता, कृष्ण के वस्त्र जो जा रहे हैं द्रौपदी को, उसकी निरंतरता बताने के लिए घुंघरू की गूंज हो रही है। अर्धनारीश्वर के देखिए कवित्त के अंदर तांडव पक्ष के घुंघरू अलग है और लासे पक्ष के घुंघरू की अलग, एक कंट्रास्ट पैदा करते हैं। मुझे लगता है कि आपके कथक में जो पढ़ांत है उसमें भी एक म्यूजिकलिटी, मतलब घुंघरू की बात ऐसे है जो आपने भी जिक्र किया, इतने घुंघरू कोई और शैली में पहने हुए नहीं दिखता एक तो,
और दूसरा मंजरी जी उन लोग के यहाँ प्रोग्राम के लिए घुंघरू पहने जाते हैं। कथक नृत्य में आप रियाज नहीं कर सकते बगैर घुंघरू, क्योंकि घुंघरू का एक्सप्रेशन पैर के साथ और घुंघरू और पैर के साथ पूरा अंग हस्तकों का एक्सप्रेशन। और आपने पढ़न की बात छेड़ी, दैट इज दूसरी विशेषता है कथक की, कि एक कथक नर्तक या नर्तकी माइक्रोफोन पे जाके अपना कंपोजिशन कहती है। पंडित मोहनराव जी कहते थे कि देखिए पहले साउंड डिजाइन बन रहा है, फिर रूप बनेगा, नाद हो गया रूप बनेगा, और रूप के साथ फिर से पढ़ंत हो रही है। तो वो दो दो बार कंपोजिशन की जो एक आकृति है वो दर्शकों के प्रेक्षकों के सामने रखी जाती है। और ये पढ़न जो है वो बड़ा क्या कहना चाहिए, पेचीदा मामला है, क्योंकि स्वर के साथ तो नहीं करते, ऐसे नहीं होता, स्वर के साथ नहीं रहते, फिर भी काक हो इसी तरह तो है। जैसे देखिए कृतक थनथनते चुत्ता धादिंता कृधादिंता, अब ये जो क्वेश्चन मार्क लग गया है जो काक हो इसी तरह है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैं रोहिणी जी इसको ट्यूनलेस म्यूजिक मानती थी। तो ये जो बात है कि मैं अपना पिच खुद तय करूंगी, वो ऐसे नहीं कि काली पहली में तबला बज रहा है तो उसके साथ उसका वैसे डायरेक्ट संबंध नहीं है, और फिर भी म्यूजिकल है, तो ये बहुत और ध्वनि की अपनी विशेषता है उसकी, हर बंदिश में अलग पढ़न की पिच लगेगी। आप बोल रहे हैं तो धा तक थूंगा और ताव थूंगा तक थूंगा, तो ये एक में गंभीर है एक में चापल। हाँ, और कैसे समझ में आता है, तो संस्कारों से समझ में आता है। हम लोग जब कथक लोग जब पढ़न करते हैं तो उसके लिए ता दे दे तो यह गमक हो गई, या तथई थी तो ये लय विचित्र हो गया, कभी मींड भी बन रहे ता, तो ये हमारे पास वैसे परिभाषा नहीं है कथक में। पढ़न के लिए ये जो कण लगेगा या मीन लगेगा आप इस्तेमाल कर रही हैं, देखिए नृत्य के संदर्भ में, वाह वाह। पढ़न के लिए जो परिभाषा है वो म्यूजिक की ही, संगीत की ही, जैसा आपने कहा सांगीतिक परिभाषा, मगर उसकी अहमियत काफ़ी है, उसकी वजह से ही वो डिजाइन बनता है, आकृति बनती है बंदिश की, और ठीक उसी तरह हस्तकम जाता है। और ये तो पढ़ान तो बहुत आगे की आप बात कर रही हैं, सबसे पहले तो शुरुआत ही होती लहरा, ये थाट क्या है, उस संगीत का पूरे शरीर में उतर जाना, बिल्कुल बिल्कुल, आप उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, वो किस तरह से लहरे का जज्ब होना हमें दिखाई देता है, एक एक सुर दिखाई देता है आपकी कसक में, मसक में, ध्रुव संचालन में, वहाँ संगीत मैटा की बात। बिल्कुल, देखिए नगमे का ऐसे है लहरे का कि उसमें ठहराव भी है और उसमें गति भी है, स्थिति और गति दोनों भी है। शर्ज पे आएंगे ऊपर का शर्ज तो उसके साथ धा लगेगी हमेशा, देखिए ऊपर की सापे, क्योंकि तबला भी शार्प काली पहली का या सफ़ेद दूसरी का, तो वो शार्प दूसरी का सा बनेगा, हाँ धा भी वैसे ही लगेगी। और ये ठहराव और गति उसके साथ अपने आप को मैं पल्स कहती हूँ मंजरी जी, नगमे को वो पल्स अपने अंदर उतारना शुरू होता है, मतलब धा धिन ये पल्स है, ये क्या है, ये पल्स है धा धिन। तो ये दोस्तों ये पल्स जो कह रही हैं ये स्पंदन है, लय का स्पंदन, लय की थिरकन, वो अपने अंग प्रत्यंग में महसूस करने की बात है। वाह, वो जब आपके अंदर शुरू होती है तब पहली धा लगती है, क्या। तो ये हमेशा बुजुर्गों ने कहा नगमा सुनो, नगमे को पहले अपने अंदर समेट लो, जज्ब करो, फिर धा लगाओ, जल्दबाजी में धा मत लगाओ, और वो धा लगेगी वो परण की धा नहीं है, वो धा ठाट की है, मतलब मजबूत है मगर शार्प नहीं है, और परण की धा फोर्सफुल है। हार्ट का मतलब ही यही है कि पहले संगीत को अपने अंदर उतार लो, तब फिर अंग का सौंदर्य स्थान में
खड़े हो जाओ। यहाँ पे मेरे मन में एक और प्रश्न आता है, क्योंकि आप रोहिणी जी की शिष्या रही हैं, तो नगमे में वो क्या समय का ध्यान रखती थी? सुबह अगर रियाज हो रहा है तो सुबह के रागों में नगमा चल रहा है, या शाम को रियाज हो रहा है तो शाम के रागों में, ऐसा कोई? मुझे इस बारे में ज़्यादा सुरेश जी की याद आती है, वो जब रोहिणी जी के साथ बजाना शुरू किए। दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ कि शमा जी का परिचय हमने रोहिणी जी की शिष्या के रूप में दिया, लेकिन उन्होंने ताल योगी सुरेश तलवलकर से भी शिक्षा पाई है। तो सुर और लय जो संगीत के दोनों पहिए हैं, इनके रथ में बराबर से चलते हैं। तो सुरेश जी की आप बात कर रही थी, हाँ बताएं। मैं सुरेश जी की बात यहाँ इसलिए कर रही हूँ कि उनको वो जब, अभी मैं रियाज की बात कर रही हूँ प्रोग्राम की नहीं, तो वो जब बजाने आते थे रोहिणी जी के यहाँ, उनका वही तो मेरी पहली मुलाकात भी हुई, और काफ़ी 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 साल किया, और आदान प्रदान भी होता था, म्यूजिक की बातें भी होती थी। तो मैंने ये देखा कि वो सुबह की बात होती थी तो कहते थे कि चलो कौन से राग का नगमा लगेगा, तोड़ी का लगेगा या कौन सा, तो वो तब तक मुझे ये मालूम नहीं था कि राग के हिसाब से, सॉरी समय के हिसाब से राग चुन लिया जाएगा। और एक मज़ेदार बात आपको मैं सुनाऊं, तो मैं सोचने लगी कि चलो जो राग मालूम हो गया उसमें नगमा बना दिया, बड़ा कोशिश से नगमा बना दिया, और मैं बहुत मशक्कत से एक नगमा बना रही है हूँ जो भी राग में। सुरेश जी आ गए, मुझे कहा क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं नगमा बना रही हूँ। बहुत खुश थी अपने आप पे कि नगमा बना। उन्होंने कहा पागल, इस राग में तो नगमा नहीं बनता, मतलब जो नगमे के रागिनियाँ हैं ज़्यादा, हर ताल में हर राग में आप नगमा बनाओ तो उतना सूटेबल नहीं होता है। राग नगमा बन तो जाएगा, मगर वो नृत्य के लिए जो मैंने बात कही ऊपर का शर्ज जिसमें लगे और ठहराव भी मिले, गति भी मिले, ये सब बातें नहीं बनती। तो नगमे के भी अपने राग है, और आपको तो म्यूजिक का बहुत मालूम है। नहीं, नगमा तो पहली सीढ़ी है, इसके बाद हम तो संगीत की बहुत सारी विधाओं के अंदर काम हुआ है, बल्कि आपने तो मौन पर भी काम किया है, साइलेंस पे भी काम किया है, तो मुझे उसके बारे में आप बताइए। वो साइलेंस में काम करने का मेरा बहुत साल से मन था, क्योंकि यही चैलेंज करके खुद को चैलेंज कि साइलेंस में हो सकता है क्या, क्योंकि मैं विदेश में जाती थी और देखती थी कि वहाँ का डांस पूरे साइलेंस में भी होता था, तो उसको आप क्या कहेंगे, तो वो विजुअल पोएट्री थी। तो अपने कथक में भी इतना सुंदर अंग है, स्थान है, हस्तक है, वो बॉडी लाइन है, तो वो जो ढलाव है या खिंचाव है उससे इतनी सुंदर अगर लाइंस बनती हैं तो विजुअल पोएट्री भी तो बनती ही है। तो अगर म्यूजिक के साथ होती है तो बात है ही, मगर बगैर म्यूजिक के कैसे होगा। तो ये निशब्द भेद एक मैंने एक प्रोडक्शन किया था, उसमें मैंने ये बात जोड़ी। वो कहानी ऐसे है कि अलियंस फ्रांसे के डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे कहा कि कुछ अलग काम करने का मन है क्या? तो मैंने कहा हाँ जी, मुझे बहुत सालों से है कि मैं पूरी मौन में साइलेंस में कुछ काम करूं। तो उनको याद आ गया कि 50 साल पहले बनी हुई एक डॉक्यूमेंट्री अंडरनीथ द ओशन एक्सप्लोरिंग साइलेंस, तो मैंने दो स्ट्रांग और वाइब्रेंट म्यूजिक पीसेस के बीच में साइलेंट पीसेस लगा दिए, एक डेढ़ मिनट का पीस, और वो इतना उभर आया क्योंकि दोनों साइड तो बहुत बहुत एकदम स्ट्रांग म्यूजिक के पीसेस थे, मगर देखिए परकशन नहीं था, मैंने सितार के जोड़ का इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे लय भी मिली, लय तो चाहिए थे डांस के लिए, मतलब जिसको हम क्या कहेंगे एक
अच्छी प्रोमिनेंटली लय सुनाई देना, और मुझे वो परकशन का जो आवर्तन बनता है, कंपाउंड बनता है, बंधन बनता है, वो नहीं चाहिए था, लय चाहिए थी, अगेन पल्स तो चाहिए, तो इसलिए मैंने सितार का जोड़ इस्तेमाल किया और उसके बीच ये साइलेंट पीसेस डाल दिए। तो मेरे डांसर्स नाचते थे, उनके दिमाग में वो लय चलती थी अपनी। अपने उन मित्रों के लिए जो संगीत जगत के नहीं हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो जोड़ का उल्लेख कर रही हैं, वो लय मुक्त आलाप जो किसी भी वाद्य यंत्र के से तंत्रकारी अंग कहते हैं उसमें बजती है, तो पहले लय मुक्त आलाप होती है और उसमें हल्की सी एक पल्स आती है, उसको जोड़ कहते हैं। वो तबला नहीं है लेकिन आपको एक लयात्मक एहसास होने लगता है, तो आप उस जोड़ की बात कह रहे हैं। उस जोड़ की बात करनी है, उसके साथ नृत्य को जोड़ना, हस्तक को जोड़ना, पैर का काम जोड़ना, तो एक वो लय की पल्स मिल रही है और फिर साइलेंस हो रहा है जिसमें सिर्फ आकृतियां बन रही है, स्पेस में लाइंस बन रही हैं और स्पेस का सुंदर डिविजन हो रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन बड़ा अद्भुत अद्भुत। और ये शायद इनोवेशन भी कह सकते हैं कथक में, ये तो ताल से बना हुआ है, कथक में तो परंपरा ही है, हम लोग कहते हैं कि ये ताल नाची जा रही है, कथक एक मात्र ऐसी शैली है जिसमें ताल नाचा जाता है, ये नृत्य नहीं हो रहा है, ये ताल नाचा जा रहा है। तो जहाँ ताल की बात हो रही है वहाँ आप बिना ताल के, इसे कहते हैं स्वतः समर्थ।
मैं ये आपसे जो दूसरे प्रश्न था उससे आने के पहले आपकी जो मौन की बात हो रही, तो मुझे कुमार गंधर्व याद आ गए कि उनके भी अंतराल जो था, वे कहते थे दो सुरों के बीच का जो अंतराल है असली संगीत तो वहाँ है। और सही बात है कि अंतराल जो है वो संगीत में भी है, नृत्य में भी है, साहित्य में भी है, पेंटिंग में भी है, वो कॉम्बिनेशन है जिसको मैं मानती हूँ एक्टिव एंड पैसिव स्पेसेस का कॉम्बिनेशन। वो जब सही संतुलन होता है तो संगीत बनता है। शमा जी ने एक और परंपरा से जुड़कर का काम किया है तो दूसरी ओर नवोन्मेष की भी बात की। उनके नवोन्मेष का झलक हमने देखी अभी निःशब्द साइलेंस के साथ उनके प्रयोग में। शमा जी, अब मैं आपकी पारंपरिक रचनाओं की तरफ आती हूँ। परंपरा में रह कर के प्रयोग इतने सुंदर मैंने आपके देखे हैं। मुझे याद आ रही है आपकी चतुरंग की चौपाल, चार अलग अलग राग, नृत्य गतियाँ, समूह गतियाँ और चतुरंग। ये संकल्पना कैसे आई और उसका संयोजन कैसे हुआ, इसके बारे में बताएं जी। पहले तो मंजरी जी, मुझे ये कहना है कि परंपरा ही नहीं है, नवोन्मेष कहा अपने, नवाचार कही है, उसको जन्म देती है। आप अगर परंपरा को ठीक से समझेंगे, गरिमा से समझेंगे, तो कुछ ना कुछ नया सृजन उसी से निकलता है। रोहिणी जी हमेशा कहती थी ऑर्गेनिक होना चाहिए, उसी से निकलना चाहिए जैसे कोपल निकल रही हो। तो चतुरंग की चौपाल, चतुरंग तो अपने पास है ही, तो मुझे लगा कि एक चतुरंग पेश करना से मैं चार चतुरंग इकट्ठा पेश करूंगी और उसका अलग अलग गठन होगा। तो मैंने सोचा कि ये एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, एक दूसरे को जो रिपार्टी जुगलबंदी कर रहे हैं, ऐसे मैं उनको देखूं चार। और डांसर्स हैं वो डाइस हो, तो वो जैसे एक साथ वो चौपाल खेलने बैठ गए और अभी वो डांसर्स कैसे घूमेंगे। तो वो पट भी मैंने लगा दिया ऑन द स्टेज, वो चौपाल के पट। और फिर मुझे तीन लेवल्स मिल गए, स्क्वायर बीच का, फिर वो चार भुजा और फ्लोर। तो वो स्पेस में बड़ा मज़ेदार हुआ, एक दो तीन। तो मैंने डांसर को उसमें घुमाया, मतलब म्यूजिक के हिसाब से घुमाया क्योंकि वो राग खेल रहे थे, मगर खेल घुमा तो मैं रही थी। और मैं चारों तरफ चाहती थी कि ऑडियंस चारों तरफ हो। कभी नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि सामने होती है, और जब हम लोग सोचते हैं तभी भी हमने ये सोचना है कि ऑडियंस तो सामने है, तो सोचने में भी यह है कि फ्रंटल व्यू, मगर अभी मैं सोच रही हूँ कि चारों तरफ ऑडियंस है। तो कोई भी डांसर कहीं भी खड़ा हो तो किसी भी कोने से ऑडियंस देखे सेंस होना चाहिए, कुछ तो बात बननी चाहिए। तो जब मैं रिहर्सल कर रही थी, चारों ओर मैं घूम घूम के देखती थी कि कौन कैसे खड़ा है, तो बड़ा मज़ा आया हम लोग को उसको करने में। और जहाँ तक म्यूजिक की बात है, मैंने सोचा कि अभी ये स्पेस बड़ा इनोवेटिव है, तो मैं म्यूजिक बड़ा पारंपरिक करूँगी। तो उसमें अच्छे पंडित अभिषेकी जी के, डॉक्टर रतन जनकर साहब की, ऐसे बंदिशें मैंने उसमें लगा दी ताकि उसके एक क्या मजबूती बने, घराने की एक मजबूती होती है, पुराने लोगों का काम तो पुराने लोगों का है, तो वो सबके एक मजबूती भी बने और एक नई बात भी बने। इसको सोच के यमन था शुरू में मैंने यमन से किया, फिर था जय जयवंती, तो मुझे कैरेक्टर अलग चाहिए थे। यमन से कैरेक्टर जय जयवंती का लचीला एकदम अलग। फिर मैंने अड़ाना लिया, तो अड़ाना एक तरफ एग्रेसिव भी है और एक तरफ मतलब एक उसमें क्या कहना चाहिए मुझे, गंभीरता भी है।
और फिर भैरवी सब रंग भैरवी, तो ये चार राग लेके मैंने उसमें तराने और साहित्य और नृत्य के बोल कवित भी थे उनको जोड़ा, दोहे भी थे उसे एक साथ जोड़ा। शमा जी आपने इसका इतना सुंदर जिसको कहते हैं ना शब्द रूप हमारे सामने पेश किया है, तो हम चाहते हैं कि इसकी एक साक्षात झलक हम लोग दें। जी जरूर जरूर, थैंक यू। तो कि चतुरंग की चौपाल पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप उसकी याद कर रहे, मुझे भी वो यादें आ रही है। वो महाभारत का सोचा तो कई सालों से था और प्रामाणिकता से ये कहूँगी कि हिम्मत नहीं बढ़ी, ऐसे लगा कि महाभारत को छूने के लिए और थोड़ा रुकना चाहिए। ऐसे रुक रुक के जब मेरी संस्था की सिल्वर जुबली का टाइम आया तो उस समय सोचा कि अभी रुकूंगी तो शायद कभी नहीं होगा, तो मैंने ये सोचा और मैं बिल्कुल इस पे मेरा इरादा मजबूत था कि मैं इसमें गाने या साहित्य नहीं करूंगी। ये और भी बड़ी बात थी। तो अगर वो लिटरेरी लैंग्वेज नहीं है तो मैंने सोचा कि मैं नृत्य भाषाएं अलग लूंगी, उसकी वजह से ये इतना सार्वभौम बना। क्या विश्व के किसी कोने में भी कोई भी देख सकता है। सच बात है, आनंद ले बिल्कुल जी। और मुझे वो हर कैरेक्टर के लिए नई नृत्य भाषा मिली, जैसे आपने कहा रमली इब्राहिम युधिष्ठिर बने, मैंने कथकली किया भीष्म पितामह के लिए क्योंकि वो लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर भी है और कथकली का भी उसका जो हम लोग भाव वैसे है। मैंने दुर्योधन के लिए छाऊ लिया
क्योंकि अग्रेसिव आक्रामक है एकदम, और गांधारी को मैंने मोहिनी अट्टम में, क्योंकि वो एक सरकमस्क्राइब्ड एक छोटे से गांधारी अंधी थी तो वो ज़्यादा घूमे ना ऐसे ऐसे बिल्कुल। और तो गोपिका जी आपको मालूम है, गोपिका जी थी तो वो अलग अलग भाषाएं नृत्य भाषाओं का मैंने इस्तेमाल किया और ये तय किया कि ऑथेंटिक म्यूजिक होना चाहिए, नहीं तो वो गांधारी लगे ही ना। विशेष बात थी उसकी, बहुत अच्छी बात थी ये कि जो नृत्य शैली थी उसका प्रामाणिक संगीत था, सास तक थी। और जब ये तय किया तो ये तय किया कि अभी नहीं तो हर कैरेक्टर आएगी तो एक या तो ब्लैकआउट आएगा या तो पर्दा गिरेगा, तो ये बड़ा विक्षेप करने वाला है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि कथक के पर्दे हों, नॉट एक्चुअल पर्दे। और फिर मैंने उसका म्यूज़िक एकदम से अलग हो करके वो इलेक्ट्रॉनिक साउंड पे उसका म्यूज़िक बनाया। नाचने वालों के तो लिए तो वो टुकड़े थे और पर्दे का इस्तेमाल करने के लिए, और म्यूज़िक तो वो इलेक्ट्रॉनिक साउंड दे के बनाया। तो क्योंकि वो मैकेनिकल है ना, पर्दा तो मैकेनिकल है, उसको कोई ह्यूमन कैरेक्टर नहीं, ह्यूमन इमोशन नहीं, कुछ नहीं, तो वो इसलिए वो उभर के आया। और फिर उस पर फास्ट डांस मैंने सेट किया तो वो सब डांसर्स निकल जाते थे और नई कैरेक्टर आती थी। बहुत सुंदर प्रयोग था। हम चाहते हैं कि आप उसका भी कुछ अंश देखना चाहेंगे। ये बड़ी चर्चित रचना रही है शमा जी की, नृत्य संरचना की दृष्टि से भी, सांगीतिक प्रयोग की दृष्टि से भी और साहित्यिक प्रयोग की दृष्टि से भी। बिना साहित्य का उपयोग किए एक सार्वभौम अप्रोच लेकर के जो संसार के किसी कोने में भी देखी जा सकती है और सराही जा सकती है, आप भी देखें अतीत की परछाइयों की कुछ परछाइयाँ। क्या ये बोझ मैं अकेले ही पूरी जिंदगी ढोता रहूंगा? क्या ये पूर्व नियत नहीं था? राजमहल से मिली ये धुतकार क्या मैं पहली बार अनुभव कर रहा हूं? राजमहल से लाचार करके हमें एक बार पहले भी बेघर कर दिया था, सीधे पहुंचाया था लाक्षागृह में जिंदा जलाने के लिए। Thank you.
आपकी जो अलग अलग रचनाएं हैं, मुझे लगता है कि रंग बदल ही रही हैं। तो आपकी शुरुआती रचनाओं की बात कर रहे हैं, और एक आपने हर शुरू में सारांश किया था कथक के एस्थेटिक्स और सांगीतिक शैलियों का, ये अद्भुत मंत्र है, उसके बारे में कुछ बताएं। सारांश मतलब मेरे मतलब एसेंस यही था। एसेंस तो क्योंकि म्यूजिक के साथ नृत्य मैं मानती हूँ कि 100% जुड़ा हुआ होता है, तो मैं अलग अगर म्यूजिक कोई इस्तेमाल करूँगी तो क्या मूवमेंट चेंज होगी, क्या हस्तक अलग रूप धारण करेंगे, क्या परिभाषाएं चेंज होगी, क्या एक हस्तक को नए तरीके से देखना पड़ेगा, ये मैं सोच रही थी। तो सारांश में मैंने ये किया कि एक रचना कर्नाटक संगीत के लिए, तो कर्नाटक संगीत में जैसे बहलावा आता है वैसे अगर मूवमेंट को मैं देखूं या उसकी जो कोरवाई बनती है उसके साथ मैं कथक के मूवमेंट को, कथक के पदन्यास को, कथक के जो स्थानक है उनको देखूं तो क्या अलग बनेगा, और असल में उसका डिवेट हो जाता है, थोड़ा सा अलग दिखता है। उस म्यूजिक के साथ जोड़ने के लिए वो मूवमेंट को मुझे रीडिफाइन करना पड़ता है, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वो भी था चैलेंजिंग लगा, इसीलिए तो लिया, मगर इंटरेस्टिंग भी लगा क्योंकि अपने ट्रेडिशन को आप खोज रहे हो, आप नीचे अंदर जाके जितना इन डेप्थ देख रहे हो, क्योंकि परंपरा में तो भंडा रहे। तो आपने कर्नाटक की कौन सी चीज की? मैंने किरवाणी राग चूज किया जान के, क्योंकि किरवाणी राग अभी तक अपने अपने नॉर्थ इंडियन संगीत में भी एस्टेब्लिश्ड है, तो ये मैं इसको कहती हूँ एक वो समझदारी भी रखनी चाहिए कि वो कथक के साथ नेचुरल लगे। किरवाणी कोई किसी को चुभता नहीं क्योंकि वो नॉर्थ इंडियन भी लगता है, और उसका अलग अलग बरतना नृत्य के साथ बहुत जुड़ जाता है, ऐसे पकड़ जैसे इकट्ठा। तो वो किरवाणी में मैंने जान के लिया, मैंने उनको कहा कि या तो हंसध्वनि हो या तो किरवाणी हो, ऐसे वाले। और मैंने कॉन्टेम्प्रेरी म्यूजिक के साथ भी बड़ा काम किया है, तो वहाँ साउंड अलग मिलती हैं क्योंकि हमें तो सितार की आदत है या तो हमें फ्लूट की आदत है, तो उनके यहाँ जो बेस गिटार बजेगा या तो ट्रम्पेट बजेगा वो साउंड अलग मिलती है, म्यूजिक की जो उनकी फ्रेजेज अलग मिलती हैं, उसके साथ हमारा नृत्य कैसे दिखेगा। अगेन इट्स अबाउट रीडिफाइनिंग द सेम मूवमेंट, द सेम आइडिया, तो उसको मुझे अपने ही परंपरा में खोजबीन करनी पड़ी, और अलग अलग हाथ में रत्न आए मैं कहूँ। हाँ, इसीलिए मैंने एक्चुअली मैंने रचनाएं पहले की और नाम सारांश बाद में दे दिया, क्योंकि मैं अलग अलग जगह से का इसेंस म्यूजिक का ढूंढ के कथक के साथ उसको जोड़ रही थी। एक तरह से एक नई सोच थी। उसके अलावा मुझे एक आपका मीरा के भजन को लेकर के, जो भजन आप देशभक्त के संगीत संयोजन में लता जी ने गाया है जी, उसको लेकर के आधार लेकर के आपने ये संरचना है, तो वो किसी विशेष अवसर के लिए था या कैसे, आपको ये कैसे सूझा? मंजरी जी, उसकी ये कहानी है कि लता दीदी के 83rd बर्थडे के लिए मंगेशकर जी, मंगेशकर लोगों की तरफ से ही मुझे ये काम मिला। उन्होंने कहा कि आपको आप करना चाहेंगे, तो मैं तो कूदने से रही, मुझे बहुत अच्छा लगा, और हाँ बहुत सौभाग्य था। अगेन वो 90 उनका ये था
कि मेरा एल्बम पे करना है. मेरा एल्बम एक था और चालावाही देश, तो इसलिए मैंने नाम वो ढूंढा चालावाही देश. और दीदी के कोई भजन चुने, बहुत सुने, सब बार बार सुने, कोई चूज किए. तो पंडित जी हृदयनाथ जी मुझे कहने लगे कि आप कैसे करोगे, हमारे तो सब भजन दादरा केरवा में है, आप तो तीन ताल झपताल बड़े तालों का काम क्लासिकल में कथक में होता है. तो मैंने कहा पंडित जी को मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैंने मेरे पास कोई कल्पनाएं हैं सोच है, तो मैं आपको करके फिर आप देखिए. तो मैंने अपना उनका म्यूजिक एकदम बरकरार रखा, संजो के रखा, और उसके साथ पिरोया अपना डांस का म्यूजिक. और उसका रागों का भी हिसाब किताब रहा, लय का भी हिसाब किताब रहा. और सबसे गौर करने वाली बात है कि यह कोई 1952 का रिकॉर्डिंग था, कोई 58 का, तो टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़ गया है. मगर हमारे म्यूजिक कंपोजर नरेंद्र भिड़े जो थे, उन्होंने उसको वो भी जोड़ सीमलेसली एकदम ऐसे जोड़ दिया कि जोड़ नहीं लगता है, वो पुराना रिकॉर्डिंग है नया ऐसे नहीं लगता है, एक जैसे एकदम घुल मिल गया है उसमें. तो वो म्यूजिक भी बना. और हम पहले ये एक प्रक्रिया मैं आपको बताऊं कि मैं डांस तैयार करती हूँ. मैंने लता जी का गाना सुना, उस पर डांस किया, और उसके साथ मैं क्या जोड़ूंगी वो भी डांस मैंने तैयार किया, सिर्फ छंद रख के. और फिर नरेंद्र जी आ गए, उन्होंने उस पर सोचा, और हमने राग के हिसाब से वो सीमलेस लगना चाहिए, एक जैसे होमोजीनियस लगना चाहिए, वो करके राग चुने और फिर दोनों मिला दिए, फिर रिकॉर्डिंग बनी. तो हृदयनाथ जी जब आए तो ये वाक्या बड़ा मज़ेदार है, पूरा सुने और कुछ न बोले. तो हम सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि अब क्या होने वाला है. और फिर लंबी सांस भर के कहे, अरे बहुत अच्छा है, क्या बात है, क्या बात. तो उनको ये जो हमारा उसको साथ जो नृत्य के बाद बनी जोड़ जैसे, वो बड़ी भाई अच्छी लगी. Oh,
मित्रों, अभी आपने जो मीरा के भजन की चला वाही देश की रिकॉर्डिंग देखी, हमने देखा कि उसका अंत एक वेस्टर्न सिम्फनी जैसी चीज़ से होता है। शमा जी, इसको देख के मुझे ये याद आया कि आपने इज़राइल के फिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ भी एक प्रयोग किया है, हमें उसके बारे में कुछ बताएं। ऐसे तो आप देश विदेश में घूमती रही हैं और आपकी चर्चे विश्वव्यापी ख्याति है, लेकिन ये इससे बिल्कुल कौन गई ये बात, तो मैं मेरी जिज्ञासा कुछ होते भाग्य योग उस वजह उस हिसाब से हो गया। ये जो सिम्फनी थी वो जैन जिम्बालास्टा करके, शैन जिम्बालास्टा, वो उन्होंने देखा तो उनको लगा कि क्यों ये कथक आप सिम्फनी फिलहार्मोनिक के साथ नहीं कर सकते। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मंजरी जी बहुत एक बड़ा विश्वास है कि कथक डांस में बहुत संभावनाएँ छुपी हुई है, आप जितना ढूंढो आपका बढ़ता ही जाएगा क्षेत्र। तो इसलिए वो बताएं, कथक का विशेषण खुला नाच भी है, खुला नाच, तो इसके लिए आकाश विस्तीर्ण है, आप कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ, और समंदर की गहराई। कल्पनाशील संयोजक होना चाहिए, चिंतक होना चाहिए, सर्जक होना चाहिए। हाँ, मगर माध्यम की बात करूं मैं तो माध्यम बड़ा फ्लेक्सिबल है, आप लचीला है, आप उसको अलग से बॉर्डर्स, आप उसको इलास्टिक जैसे हैं। इससे खींचते तानते ना, हमने इसके बहुत प्रयोग देखे हैं, लेकिन ये फिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा तक आप कैसे पहुंची? तो उन्होंने मुझे म्यूजिक भेजा कि इस म्यूजिक पे करना है, तो पहले तो काफ़ी जैसे अपने म्यूजिक से परिचित होते हैं उतने तो नहीं होते, तो पहले तो परिचित कराया अपने आप को, फिर दोस्ती कराई, फिर बात शुरू हो गई और उसको उसके साथ कथक को जोड़ा और बन गई बात, और बहुत एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 60 म्यूजिशंस और कंडक्टर भी, और उस लय के साथ, उस सुरों के साथ, उस म्यूजिकल फ्रेजेस के साथ कथक भी जुड़ता गया, और हमने अपनी बंदिशें भी जोड़ी उसमें, जैसे गिनती की बंदिश है तो वो उसके साथ ऐसे जुड़ गई और वो बहुत सुंदर लगा। पैच वर्क नहीं, एप्लीके वर्क।
एक किस्सा बताऊं आपको रोहिणी जी के, मेरे गुरु जी का. जब उनके नृत्य भारती की ये थी सिल्वर जुबली, तब डॉक्टर वसंतराव देश पांडे उनके साथ गा रहे थे. ठुमरी वही थी बिंदादीन जी की, मैं तो खेलूंगी वो नहीं से हो रही, और वो तो दीपचंदी में चलता है. तो अस्थाई के बाद ही लगी, वसंतराव जी ने सोचा, रंग से भरी पिचकारी गुइयां, वहीं लगी लगा दी. तो मुझे अभी तक वो ध्यान में है कि वो कैसे लगी, सूरज जी तबले पे कैसे लगी बनी थी, कैसे इन्होंने उसको जोड़ बनाया था वसंतराव जी ने, और वहाँ कैसे पैर में उसका ट्रांसलेशन हुआ था. तो वो एक संस्कार की बात है कि ये जो ट्रांजिशन है वो नेचुरल कैसे लगे, वो दोनों दोनों. और कहाँ हो, रंग से भरी पिचकारी पे कर रहे हैं तो कहाँ हो, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट बात है. ऐसे नहीं कि मन आ गया कर दिया, कहाँ हो. तो वसंतराव जी जब ये कर रहे थे तब मैं वहाँ थी, क्योंकि मेरे सामने ही ये बात हुई. तो वो अभी तक मुझे वो याद है, और वो जब तक वो नहीं बनती बात, मन नहीं खुश होता. बिल्कुल बिल्कुल सही, वाह क्या बात कही. तो ये जो सांगीतिक अवेयरनेस है, सचेतनता है, नृत्य के लिए बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है. और आप में हमेशा से रही है, रोहिणी जी से मिले संस्कार थे, करजी से, वसंतराव देशपांडे से, आप इतने इतने लोगों के साथ रही हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा. मैं वही कहना चाह रही थी कि तलवलकर जी की बात कि गिरिजा देवी का संगीत सुना, और जैसे आजकल लिसनिंग सेशंस होते हैं वैसे हमारे लिसनिंग सेशंस चलते थे. सिद्धेश्वरी जी की ठुमरी चल रही है तो उसका एक एनालिसिस कर रहे हैं, शोभाताई गुरटू का महफिल सुने तो वापस आके उस पर काफ़ी क्यों अच्छा लगा इस पर बड़ी बात होती थी. क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई के ज़माने की बात कर रही हैं, आज आपका एक बड़े समर्थ गुरु के रूप में कथक की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है. आपके पास जो सबसे बड़ी सुविधा है, एक तो आपका सांगीतिक पृष्ठभूमि, नृत्य की पृष्ठभूमि, इतने सुंदर तालीम, इतना ज़्यादा सुनने देखने देखा सीखा परीक्षा सबका अनुभव है. लेकिन जो सबसे बड़ा आपके लिए वरदान है, और वो आपका अपना घड़ा हुआ है, इतनी पूरी की पूरी टीम तैयार नर्तकों की, तो आपके इस उदाहरण से मिलता जुलता मुझे ये उदाहरण याद आया, जैसे एक हलवाई है उसकी कढ़ाई चढ़ी हुई है, तेल एकदम खौलता हुआ तैयार है, चाहे वो समोसे तल ले, चाहे वो कचौड़ी तल ले, चाहे वो कुछ भी निकाल ले, आपके पास तैयार पूरी की पूरी पलटन है, अच्छे तराशे हुए वेल ट्रेन्ड चिजल डांसर की, आप जो चाहें सो उनसे करवा लें. पर मैं ये जानना चाहती हूँ, ये इस लेवल तक पहुँचने के लिए आपकी पेडागॉजी क्या रही है. आपका ज़माना दूसरा था, आप तो गुरु के पास सुबह से शाम तक चली गई, उनके साथ हर प्रोग्राम देखने जा रही हैं, उनके साथ जो सुनने वाले आ रहे हैं उनको सुन रही हैं, उनसे शास्त्र चर्चा हो रही है, उनका विमर्श सुन रही हैं. लेकिन आज के बच्चों के पास इतना वक्त कहाँ है, तो ये कैसे आप तराशती हैं. पहले तो मंजरी जी मैं बहुत बहुत आपको ही धन्यवाद भी दूंगी और अभिनंदन भी करूंगी, आपने ये ऑब्जर्वेशन किया, क्योंकि मेरा हमेशा ये कहना है कि जैसे तबला प्लेयर के पास अच्छा तबला होना सबसे महत्वपूर्ण है, सितार प्लेयर के साथ ट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट, तो हमारा तो ये इंस्ट्रूमेंट है बच्चे जो, तो वो एकदम ट्यून्ड होते हैं तो ही तो बात बनती है. तो उस परिपूर्ण ट्यून्डफुलनेस के लिए आपकी पेडागॉजी क्या है, उसका रहस्य. मैंने बीएससी किया जब कॉलेज में, तो मेरी बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड है, तो मेरा दिमाग वैसे एनालिटिकल है, टेक्निकल है, तो मैं हर फ्रेज को पहले जैसे वो लेगो खेलते हैं सबको अलग अलग पीसेस कर देती हूँ किसी भी कॉम्पोजिशन के, और उनके सामने जोड़ देती हूँ, तो वो जोड़ उनके समझ में आते हैं. हमेशा इंसान का प्रॉब्लम कहाँ होता है, तो ऐसे भी आप पूरा जो अगर एक ये सुंदर मूर्ति है तो उसकी सुंदरता तो ध्यान में आती है, मगर उसका गठन नहीं ध्यान में आता. मैं गठन उनके सामने खोलती हूँ
और फिर से जोड़ देती हूँ, तो सबको वो टेक्निकली कि पैर कैसे रहेगा, हस्तक कैसे रहेगा, नज़र कहाँ रहेगी, उस वहाँ अगर गर्दन का एंगल कैसे रहेगा, शोल्डर लाइन कैसे, एकदम मैं सब पूरा एनालिसिस कर दे, या तो आप बताइए, डिसेक्शन कर लेती हूँ और फिर उसको जोड़ती हूँ उनके सामने, तो वो कनेक्शंस उनके सामने समझ में आते हैं टेक्निक के। और मुझे एक लगता है कि मेरा दिमाग वैसे क्लियर है बहुत, तो क्लैरिटी के साथ बताती हूँ तो उनको, और क्लैरिटी भी आप आके संक्रमित कर रही हैं। कल कोई लोग सिखाएंगे तो इसी सुलझी बुद्धि के साथ सिखाएंगे, तो आप केवल, आज का ज़माना क्या हो गया है आपको बताएं रोहिणी जी, कोई कला नहीं सीखना चाहता, लोग आइटम सीखना चाहते हैं, वर्कशॉप्स का फैशन चल गया है, वहाँ आइटम सीख लिया जाता है, लेकिन उसके कल पुर्जे क्या हैं, कैसे बनता है, अगर ये कोई रहस्य समझा दे तो कल को ये बच्चे कितनी अच्छी संकल्पना कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा योगदान है। ये कहना है कि भगवान की दया रही, मेरे पास हमेशा एकदम खुश नसीब हूँ मैं, अच्छे बच्चे आते रहे, होशियार, मेहनती और टैलेंटेड, तो जो भी हमने सोचा, जैसे मैं हमेशा इसका वर्णन करती हूँ कि रात को सपना देखा, सुबह जाके क्लास में किया तो खड़ा हो गया सामने, तो ये भी तो बात है, हर इंसान को नहीं मिलते इतने अच्छे बच्चे, हमें मिले। हमने ये बात कुमन्नी जी में पहली बार देखी थी, उनके पास भी ऐसी शिष्याओं की रहती थी जो चाहती थी, और हर बार अलग अलग तरह की चीज़ें वो तैयार कर देती थी, तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आपसे ये जान करके कि आपने इस रहस्य को बच्चों को पकड़ा दिया है, इस रहस्य का उद्घाटन कर दिया है, ये केवल टेक्निक नहीं सिखाई है, उस टेक्निक का प्रयोग सिखाया है, ये बहुत बड़ी बात है। टेक्निक से तो ग्रामर बन जाता है ना, उससे तो स्टोरी नहीं बनेगी, स्टोरी बनने के लिए तो अंदर से फीलिंग भी होनी चाहिए, स्टोरी बनने के लिए कंटेंट भी होना चाहिए, तो वो सब हम लोग काफ़ी इकट्ठा बातें भी करते हैं, समझाते भी हूँ, और मुझे लगता है उनका मन होता है कि पूरी बात समझे। आज की जो पूरी बात हम लोगों ने की है, आपके सारे पक्ष सारे लोग जानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैंने कोशिश की है कि आपके संगीत की, नृत्य में जो संगीत महता है, जो सुरीलापन है, उसके ऊपर बात हो। आपने इतना वक्त दिया और हमसे इतने प्यार से सब कुछ बाँटा, मैं आपके हृदय से आभारी हूँ, और नाद रूप को, उसके पूरे परिवार को और आपको प्रणाम करते हुए मैं बहुत बहुत शुक्रिया मंजरी जी, बहुत अच्छा लगा।